हमने सोचा था कि एग्जाम्स होंगे, छुट्टियां पड़ जाएंगी, विल बी स्टेइंग एट होम, विल बी गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग. इट इज रॉन्ग स्कूल विच हैज बीन चोजन, विच डज नॉट लेट अस स्टे एट होम. इफ वी आर स्टे एट होम दे मेक ए फोन कॉल. टुमारो यू डोंट नो इफ वी आर देयर एट होम दे मे कम टू अवर होम एंड दे मे से चल स्कूल. तो ये इम्तिहान तो बस मुश्किल हो गई. ऐसी भावनाएं आ रही हैं, मम्मी पापा भी पीछे पड़े रहते हैं, पापा डांटते रहते हैं, ये कितने मार्क्स आए हैं प्री एनुअल एग्जामिनेशन में, यू हैव नॉट डन वेल. मम्मा कहते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, और स्कूल वाले कहते हैं तुम्हें कुछ आता नहीं है, जितने भी टेस्ट होते हैं तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ऊपर से ये ब्लॉक पीरियड्स लग गए हैं. पहले मैथ्स की एक पीरियड मुश्किल से बीतता था, अब तीन तीन पीरियड लग जाते हैं. फंस गए हम तो. हे भगवान, ये एग्जाम्स क्यों शुरू हुए? ये एग्जाम्स का सिस्टम बनाया किसने था? पहले तो उसको पकड़ो जी. एग्जाम का सिस्टम किसने बनाया? पहले उसको पकड़ो, उसकी खबर ले अच्छी, उसके बाद बोर्ड के एग्जामिनेशन, फिर प्री एनुअल एग्जामिनेशन, फिर टर्मिनल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन 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 एग्जामिनेशन, इतने एग्जामिनेशन. ये भावनाएं दिमाग में आती हैं? उस वक्त जब ये भावनाएं दिमाग में आती हैं, तो ये भावनाएं कभी नहीं आती कि भाई ये कितना अच्छा मौका है हमारे पास. क्यों मुकुल? कितना अच्छा मौका है कि वो मम्मा, वो हमारी मदर जो खाना बनाते हैं, हमारे बर्तन साफ करते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, वो पापा जो संघर्ष करते हैं, हमारे लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिनकी बदौलत हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जिनकी बदौलत हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनकी छाया हमारे ऊपर है. वो अध्यापक जो पहले कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़कर आए, उसके बाद टीचर बने, उसके बाद इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी आज पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन करके, एक एक मिनट उन्होंने जो जो पढ़ाना है उसकी तैयारी करके क्लास के अंदर हाजिर होते हैं, हमें पूरी हैंड होल्डिंग देते हैं कि बच्चों घबराओ मत, एग्जामिनेशन है, फिर क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर देयर विद यू, वी आर हेयर विद यू टू सपोर्ट यू. पेरेंट्स से डोंट वरी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. पापा सेज व्हाई आर यू वरीड, डोंट हैव एनी स्ट्रेस, आई एम हेयर विद यू. मम्मा सेज व्हाई आर यू वरीड, आई एम हेयर विद यू. ये सभी लोग हमें मदद देते हैं. यस के नो? ओके, सो कौन कौन मदद देते हैं? मम्मा पापा दे सपोर्ट अस, ओके, टीचर्स दे सपोर्ट अस. तो एग्जामिनेशन के माध्यम से, आई मीन वी हैव गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, हमारे पास कितना सुनहरी मौका है कि हम इन सभी के दिमाग से जो इनके दिमाग में तनाव है उसको दूर करके, जो इनके दिमाग पे स्ट्रेस है, हमारे पेरेंट्स के दिमाग पे, हमारे टीचर्स के दिमाग पे ये जो स्ट्रेस है, इसको दूर करके इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ सकते हैं, इनके मन में खुशी लेकर आ सकते हैं, अपने इम्तिहानों में अच्छा करके. क्या ला सकते हैं या नहीं ला सकते? बहुत सारे मम्मी पापा हैं जिनको लगता है कि नहीं, बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर वही बच्चा पूरी तन्मयता के साथ अपने काम में जुट जाता है और फिर रिजल्ट आता है, बढ़िया रिजल्ट आता है जी, तो वही पेरेंट्स जो हैं वो लाश के मारे, खुशी के मारे जी, क्या कहूं मैं, पागल हो जाएंगे. टीचर्स पागल हो जाएंगे कि वाह वंडरफुल, ग्रेट जॉब, माई स्टूडेंट्स डिड दिस. एंड we all teachers, we all feel together, we have only one kind of thought, that all our students
who are sitting here or those students who are not sitting here. Once they decide, they can rock the world. They can give stiff competition to somebody who is the best in education. A little bit of discipline, a little bit of control, a little better time management, a little more belief in yourself. If all this is there in you, you are the winner. A winner zarur banenge. Kyun nahi banenge? You have to make some kind of promise with yourself. Khud ke saath kuch vaada karna hai ki bhai yes, apne aap ko anushasit karna hai aur kyun nahi karna hai? Apne aap ko contain karna hai aur kyun nahi karna hai? Kyun? Kyunki meri mummy ko main bahut khush dekhna chahta hu. Apne papa ko main garur se kar. Why should we not have this kind of goal? Why should we not have this kind of aspiration? Main apni sangat ko acha rakhun, un logon ke saath uthu baithun jo mujhe prerit kare ki main ye lakshya pura kar sakun. Kya lakshya? Mummy ke chehre pe muskurahat, papa ke dil mein gaurav, garv, aur teachers ka naam, teachers ka samman aasman ke upar. ये मेरा लक्ष्य है और ये लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबोना जी, ये एग्जामिनेशन. और अगर ये एग्जामिनेशन हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारे पास क्या जरिया बचता है कि हम अपने अध्यापकों का सम्मान आसमान तक पहुंचा सके? अगर ये एग्जामिनेशन ना हो तो कैसे मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कैसे मामा जो हमारे पापा हैं उनके दिल में ये गर्व की भावना आए, कैसे आए, कैसे ला सकते हैं? ये एग्जामिनेशन के माध्यम से ही हो सकता है. एग्जामिनेशन है तो हमारा फोकस अपने काम के ऊपर एकदम से बढ़ जाता है. जब एग्जामिनेशन है तो हम अपने नॉलेज के स्तर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी लर्निंग को और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. अगर एग्जामिनेशन नहीं है तो मुकाबला ही खत्म हो जाएगा. अगर मुकाबला ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो हारे ही हारे, क्योंकि जीतने के चांसेस ही नहीं, जीतने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं. तो एग्जामिनेशन के माध्यम से ये सारे बच्चों के पास कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है. यू ऑल हैव अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट इज दैट? द अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग, ऑफ गेटिंग विक्ट्री. तो विक्ट्री जैसे हासिल होती है, अगर हिमांशु अपने आप को उस तरह से तैयार करे जी, ये मुकुल अपने आप को उस तरह से तैयार करे, ये शानू अपने आप को उस तरह से तैयार करे, हमारे 10th के, 9th के, 6th के, 7th के सभी क्लासेस के बच्चे इस तरह से अपने आप को तैयार करें, एंड रिजल्ट डे शुड बी अ सेलिब्रेशन डे. रिजल्ट डे जो है वो सेलिब्रेशन डे हो, ये लक्ष्य भी हम अपने दिमाग में रखें कि हमने जीत का जश्न मनाना है. जो रिजल्ट डे होएगा वो हमारी जीत का जश्न होएगा. अगर ये सब कुछ हम अपने दिमाग में रखें तो एग्जामिनेशन का मजा नहीं आएगा. तो एग्जामिनेशन का मजा लेना चाहिए ना कि एग्जामिनेशन का प्रेशर महसूस करना चाहिए जी. लेट अस ऑल enjoy the process of preparing for examination. Let us enjoy, let us relish it to the core. इसको पूरा, इसका पूरा आनंद लें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें. और जब तैयारी में जुट जाएंगे, हर दिन अपने आप को बेहतर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है, अपना आत्मविश्वास जो है वो जरूर बढ़ेगा. ये उदास चेहरों की उदासियां खत्म हो जाएंगी. ऐसा हमें करना चाहिए बच्चों या नहीं करना चाहिए? तो ऐसा क्यों नहीं होता है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू. यस प्लीज, आई विल नॉट स्पीक. सर, हम कभी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते. क्लैप फॉर हिम. यस यस, दिस इज अ वंडरफुल आंसर. We don't have faith in ourselves ki we can really become a winner. We don't have faith in ourselves we are really the best. Hum behtareen hain. Yes.
सर पहले मेरे ईवीएस के मार्क्स बहुत कम आए थे, अब बहुत ज्यादा आ गए। अब ज्यादा आ गए ना ये तो खाली ईवीएस में थोड़ी आ सकते हैं, वो इंग्लिश में भी ज्यादा आ सकते हैं। अगर ईवीएस में आ सकते हैं तो फिर इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और बाकी के सब्जेक्ट्स में, हिंदी में, सब में बेहतरीन आ सकते हैं। सर मेरे हर सब्जेक्ट में 80 में से 70 की लाइन में ही आए हैं। 70 की लाइन में ही आए, 80 लेने की भी कोशिश की जा सकती है। यस सर, वी शुड ट्राई फॉर दैट आल्सो। यस सर, इफ वी कैन गेट 70 तो वी कैन गेट 80 ऑन 80 आल्सो। यस सर। यस ना, गुड, क्लैप फॉर हिम। Very nice. That's great. Anybody else? Best कहाँ छुपा हुआ है? वो बाहर क्यों नहीं आता है? बाहर क्यों नहीं आता है? Yes, please. हाँ? Huh? Studying only. जो friends हैं, वो अपना कर्तव्य निभाने की बजाय, वो अक्सर भटकाते हैं। उसके कारण जो बेस्ट होता है वो अंदर ही रह जाता है। इज इट यस और इट इज नो? यस, कम ऑन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। निमिषा, यू वांटेड टू से समथिंग। नो सर, फॉर मी इट इज नॉट लाइक दैट। गुड, वेरी गुड। उमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस। Obviously, she encourages me in everything. She encourages you. And you also encourage her? Yes, sir. This is called friendship. This is called friendship. True friends, they need to be true to each other. They should always be a source of strong inspiration for each other. They should always encourage each other to do their duty well. Rather, to do their duty better. To work harder. To work more, not to work less. Okay? So, I believe that we should all clap for Umra and Nimisha. Okay? They are good friends, sincere friends. Anybody else who would like to say something about his or her friend? Aur koi bachcha jo apne kisi friend ke bare mein kuch batana chahe, kuch acha, kharab kuch nahi. Aur kisi ka koi acha friend nahi hai? आपका कोई अच्छा फ्रेंड है? सर कभी भी मैं सैड होता हूँ तो नमन मुझको हंसा देता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नमन कहाँ है? अच्छा, तो आप उसको जरूर समझाना कि स्कूल रोज आया करो भाई, मैं तो कभी भी उदास हो सकता हूँ, तो मुझे हंसाएगा कौन? राइट, तो नमन के लिए क्लैपिंग करते हैं। गुड गुड। एनीबॉडी एल्स who would like to say something about his or her very good friend? We don't have good friends. हमारे कोई अच्छे friends ही नहीं हैं। हैं? भूमि का सर ला। Give it to भूमि। Sir, Shivani is my best friend. She also encourages and I also encourages her. You also encourage her. So both of you encourage each other. And as well as her marks is very low, so she also told me that you also study hard, and I also told don't waste your time on social events and study hard for good marks. Good, good. So both of you are encouraging each other and both of you are strengthening your resolve to do better? Yes, sir. Good. Clap for both of them. Okay. No. It is very important कि we should be true towards ourselves. हम खुद के प्रति सच्चे बने कि झूठे बने? सच्चे बने। तो आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। I want that everybody should make some promise to yourself. खुद के साथ पे वादा किया जाए। जी, ईमानदारी वाला वादा। वो क्या वादा रहेगा? What will be that promise? Your teachers are also here. In the presence of your teachers, I would like that you should make some promise to yourself. Shanu's hand is there. Yes. Let's listen to Shanu. Sir, my promise is I am winner. You will become winner. Wonderful. Wonderful. Very good. Sir, I will come to school daily and marks very well. Very good. So you will come to school every day and you will get very good marks.
Good, good. Clap for him. Okay. Anybody else? Kuch promise khud ke saath? Ye Vanita Patidar, she will also say something. Next turn is that of Swasti. Thereafter it is Supriya. Okay. Uske baad apne aap batao, nahi to fir main bolta jaunga. ठीक उसके बाद आदर्श यस क्विक प्लीज सर आई विल वर्क हार्ड एंड विल अटेंड द स्कूल डेली ओके एनीथिंग एल्स व्हाट विल यू डू एट होम सर आई विल डू डेली रिवीजन ऑफ द थिंग्स दैट आर टॉट इन द क्लास ओके व्हाट विल यू डू विद योर डिफिकल्टीज आई विल नोट डाउन माय डिफिकल्टीज एंड व्हाट विल यू डू आफ्टर नोटिंग डाउन योर डिफिकल्टीज आई विल टेल देम टू माय टीचर एंड They will help me to solve them. I mean, do you make this promise that within 24 hours, you will get over your difficulties, means you will get to know the solution of your difficulties? Yes, sir. In 24 hours? Yes, sir. Good. Clap for them. Sir, I will set a high goal and work towards it and try to inspire my friends. Okay. Will you try to inspire yourself also? Yes, sir. Will you always stay in the inspired frame of mind? Yes, sir. Always inspired, never tired? Yes, sir. Good. Clap for Swasti. Aapki bhi bari hai. Oh, shit. Yes? Think over it. Please. Sir, I will work hard and attend school daily. How will you conduct yourself in the class? Sir. Class mein apni classroom presence ke baare mein say two, three things. Sir. Kaun se kaam nahin karein? फोकस करूंगी क्लास में मैंने पूछा कौन कौन से काम नहीं करेंगे व्हाट विल यू नॉट डू सर बातें नहीं करूंगी क्लास में गुड आई विल नॉट गॉसिप जी और अपनी सारी डिफिकल्टीज टीचर्स को बताऊंगी जो आती हैं और क्लास वर्क कंप्लीट करूंगी और उसको रिवाइज भी करूंगी गुड वेरी गुड And what target are you setting? What percentage is your target? Sir, 79%. Why 80? Why not? You are scared of 80? No, sir. So, it is? 80%. In front of everybody, you have set the target. Yes, sir. That is 80%. Good. Waste my time on using mobile and other. Like useless gadgets. Very good. Or? And sir, I will achieve 80% marks in board exam. Very nice. Very nice. Clap for others. Good. Who's next? Either. बताओ ना डर क्यों गए बैठ के बोल लो हाँ जी अब बोले आपका क्या वादा है खुद के साथ ऐसे बोलो सर लर्न कौन कौन से काम करेंगे और कौन कौन से काम नहीं करेंगे सर लर्न करेंगे शाबाश Very good. Yes, अपना ध्यान भटकाएंगे नहीं अपना ध्यान पूरा अपने काम पे लगाएंगे प्रॉमिस I have in me, which no one can see. I promise. I will work. Day and night to earn real pride for my father, for my mother, who pinned high hopes on me, which no one can see. I promise. I will work with soul and heart to prove my worth, to play my part. For my teachers, for home,
the respect that I have in me that no one can see. I promise. I will work with sincere attitude to express my gratitude towards God, the Divine Lord. In you, He is there. He is there in me. But no one can see. I promise. With my success in examination, I will strengthen my relation and pay my tribute to my mother nation. I promise. This promise is deep in my heart, in my soul. Now, I won't forget my duty and my role. Will discharge it well, and I will excel. I promise. I promise. I promise. Clap for yourself. So this promise that you have made, in this promise you have stated, you will remain true to your mother, to your father, their contribution you will never forget. Examination is the payback time. Pay back to your parents. Examination is the payback time to your teachers. Examination is the payback time to pay your tribute to God. Examination is the payback time to your mother nation. Examination is the time when you have to remind yourself of your strengths. And you have to prove your strengths. We the teachers have complete faith in each one of you. Not even a little bit of doubt is there. So why should you have any kind of doubt in yourself? Have faith in yourself. Be sincere. Examination, I mean, we can always excel in examination if we are serious towards examination. By being non-serious towards examination, no success in examination is possible. No success in any other event is possible. So we are to consider examination an event in which victory is essential. We are in competition with lakhs of students. And in this competition, we have to prove our merit for sure. God bless you all. Let's proceed towards our classes.